नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा में। 10 जून बड़ी अमावस्या, सूर्य ग्रहण, चुपचाप जला दे यहाँ एक दीपक, पितृ दोष बदल जाएगा, पितृ आशीर्वाद में मिलेगी सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री पूजा होगी और इसी दिन शनि जयंती का त्यौहार भी पड़ रहा है और इसी दिन सूर्य ग्रहण भी है और इस दिन पूजा पाठ करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है, पितर देवों की शांति मिलती है, उनके लिए उनके निमित्त तर्पण और दान भी किए जाते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है और इस दिन दान पुण्य करने का भी विशेष लाभ देता है और लाभ होता भी है। चूंकि इस बार अमावस्या 10 जून को है और इस दिन सूर्य ग्रहण भी है जो कि दोपहर 10 जून को 1:42 से शुरू होगा सूर्य ग्रहण और शाम 6:41 तक रहेगा, लगभग 5 घंटे रहेगा। अब गर्भवती महिलाएं भी सावधानी बरतें, लेकिन चूंकि आज हम बात कर रहे हैं अमावस्या तिथि के अवसर पर ये जो महासंयोग बन रहा है, अब ऐसे में अमावस्या के दिन वट सावित्री पूजा, शनिदेव जयंती, तो कैसे करेंगे पूजा और क्या मिलेगा इसका विशेष फल, तमाम बातें जारी हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, पितरदेवों की शांति के लिए इस दिन अगर विशेष तौर पर तर्पण किए जाए तो आपके जीवन के हर कष्ट मिट जाते हैं। देखिए, ज्येष्ठ अमावस्या को जो शुभ मुहूर्त है वो है, वैसे तो अमावस्या जो शुरू होगी 9 जून की दोपहर 1:57 से शुरू हो जाएगी और अमावस्या तिथि 10 जून की शाम 4:22 तक समाप्त होगी। तो अमावस्या तिथि के दिन पवित्र नदी सरोवर में नहाने का विधान है। अगर आप नहीं जा सकते तो वहां नहाने, जो आप जहां अपने घर पर ही अपने नहाने के पानी में एक चुटकी काला तिल डाल के नहाए या फिर गंगा जल आप नहाएंगे तो सोने पे सुहागा, खूब लाभ मिलेगा। और या फिर नहीं है तो तुलसी के पत्ते डाल लें या फिर दूर्वा घास ही डाल लें। वैसे तो इसके बाद तांबे के बर्तन में फिर आप भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद पितर देवों को निमित्र तर्पण करें। जी हाँ, अब कैसे करेंगे, देखिए, एक लोटा जल में एक चुटकी काला तिल, थोड़ा सा अक्षत डालकर पितर देवों के निमित्त आप अर्घ दें। इससे पितरदेव प्रसन्न होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करें, उपवास रखें और गरीब निर्धनों को, ब्राह्मणों को यथा संभव दक्षिणा दें। पितरदेवों को तर्पण करने से पितृदोष समाप्त हो जाते हैं, बस वंश की वृद्धि होती है, नौकरी रोजगार में तरक्की होती है और जीवन में हर तरह का सुख प्राप्त होता है, जीवन के हर तरह के कष्ट दूर होते हैं। सभी कष्ट, चाहे कैसे भी कष्ट हो, चाहे शत्रु विरोधी कष्ट हो या फिर आपके किसी भी तरह के शत्रु हो, किसी भी तरह के कष्ट हो, सबसे मुक्ति मिलती है। चूंकि इस बार की अमावस्या तिथि के दिन शनि जयंती और वट सावित्री दोनों की ही पूजा होगी, तो वट सावित्री के पूजा वैसे तो हर साल ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है और इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं, तो इसलिए यह अमावस्या और भी खास बन गई है। चूंकि शनि जयंती है, हर साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन मनाई जाती है, वैसे भी अमावस्या जो होती है दोस्तों वो शनिदेव को ही समर्पित होती है और इस दिन भगवान शनिदेव का जन्म भी हुआ था। मान्यता है कि शनि जयंती के दिन विधि विधान से पूजा करें तो जीवन के हर कष्ट मिट जाते हैं। तो इस अमावस्या के दिन शिव जी के निमित्त एक लोटा जल अर्पित जरूर करें। आप जाकर किसी नज़दीक शिवालय में जाइए, मंदिर में जाइए, क्योंकि शिव जी को जल अर्पित करने से अमावस्या तिथि पर पितृदोष भी समाप्त हो जाते हैं और शनिदेव, चूंकि शनिदेव के गुरु हैं शिव जी, तो ऐसे में आपके जीवन के हर कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो चूंकि इस बार भगवान जब शिव जी को आप जल अर्पित कीजिए तो जल अर्पित करने के समय एक लोटा जल में एक चुटकी काला तिल डालकर अर्पित करें तो आपके पितृ शांत हो जाते हैं। अगर आप कुसा घास डालकर अर्पित करें तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर आप बेलपत्र अर्पित करें तो जीवन में मान सम्मान, सुख, ऐश्वर्य की, धन की प्राप्ति होती है। इस दिन चूंकि पितर देवों के आत्मा की शांति के लिए पूजा की जाएगी और राहु केतु के दोषों को समाप्त करने के लिए, उनको शांत रखने के लिए भी शिवलिंग पर 2 लौंग अर्पित करें, साथ ही एक दीपक जरूर शिवलिंग के पास, यानी शिवलिंग के पास एक दीपक जरूर जलाइए, ध्यान रखिएगा। और शाम के समय तो शिव मंदिर में एक दीपक जरूर जलाइएगा, लेकिन आप दिन में भी जला सकते हैं क्योंकि इस दीपक का विशेष महत्व है। इस दीपक में चाहे तो 2 लौंग भी डाल दें तो सोने पर सुहागा। देखिए,
ये जो दिया है आपके जीवन के समस्त परेशानियों को समाप्त करेगा। चूंकि ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि जयंती भी है और इस दिन सूर्य ग्रहण भी है, और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या पर शनिदेव का जन्म हुआ था, और इसीलिए इस अमावस्या का महत्व बहुत ज़्यादा है। इस दिन जो शनिदेव हैं आप उनको मनाइए, इस दिन उनकी पूजा पाठ करिए। लेकिन कर्जों से मुक्ति पाने के लिए अगर ज्येष्ठ अमावस्या के दिन विशेष प्रयोग किए जाएं तो कर्ज मुक्त हो जाते हैं। क्या करेंगे, आपको चाहिए होगा एक लोटा जल, उसमें एक चुटकी चावल, पिसा हुआ चावल का आटा, या फिर आप घर में भी कूट कूट कर पीस सकते हैं। एक चुटकी हल्दी लेकर किसी बरगद के पेड़ के नीचे जाइए और बटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए बट के पेड़ के जड़ में अर्पित कर दें। इसके बाद वहां एक दीपक जला दें, सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए, क्योंकि इस दिन अमावस्या है और शनिदेव को समर्पित होते, इसलिए सरसों के तेल का दीपक चलेगा। अभी यहाँ पर जब आप महादेव का नाम लेते हुए घर वापसी का जब करें, तो घर वापसी से पहले आप पेड़ के जड़ थोड़ा सा तोड़ ले, थोड़ा सा तोड़ना है आपको, धन की समस्या दूर होगी। अपने घर में इसको रख ले, जहाँ कीमती सामान रखते हैं, कर्ज की समस्या दूर होगी। भगवान से कहिए, सारी प्रार्थना करिए, थोड़ा सा जल बरगद का लेकर आइए और घर के अपने मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा छिड़काव कर दे, मुख्य दरवाजे पर छिड़काव करना है। अब आपको चूंकि देखिए बड़ी अमावस्या है, तो अमावस्या के दिन मुख्य दरवाजे पर आपको पूजा पाठ करके शाम के समय दोनों तरफ आपको, या फिर एक दीपक जरूर जलाइए, अपने मुख्य दरवाजे पर एक दीपक जलाइए, उसमें आप एक या दो लौंग डाल दीजिए। यह दीपक आपको चाहे तो रात्रि भर भी जलने दे। अमावस्या तिथि के दिन आप अगर शनि मंदिर मिल जाए तो वहां पर भी एक दीपक जलाए, लेकिन एक दीपक मुख्य दरवाजे पर जलाइए और आप एक दीपक अपने बीच आंगन में जलाइए, एक दीपक पूजा स्थान पर जलाइए, एक दीपक गौशाला में जलाइए। जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। पितृदेव के निमित्त तो आपको दिन में ही पूजा पाठ कर लेनी है, यथायोग संभव जितना हमने बताया, लेकिन दीपक जो है एक दीपक जला लें शाम के समय अमावस्या के दिन, या फिर आप दिन में भी कर सकते हैं, एक दीपक जला के दो लौंग डाल लें उस दीपक में और पूरे घर में उसकी धुआं को दिखाइए, उस दीपक को पूरे घर में दिखाइए, उसकी लौ को दिखाइए, और लौ को दिखाने के बाद प्रत्येक घर में प्रत्येक दरवाजे पे और फिर प्रत्येक आदमी को उसका आशीर्वाद लेने के लिए बोलिए। आशीर्वाद लेने के बाद इस दीपक को मुख्य दरवाजे पर रख दीजिए, अब इसको जलने दीजिए, तो जो लौंग बचेगा उसको आप मुख्य दरवाजे के बाईं ओर फेंक देना कल सुबह, और दीपक को जलने देना जब तक जलेगा। देखिए कैसे चमत्कार होता है, जीवन में सुख शांति वैभव सब कुछ प्राप्त होगा, धन की समस्या दूर होगी, कर्ज की समस्या, पितृ दोषों की समस्याएं दूर होंगी, शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा, और इस सूर्य ग्रहण पर सावधानियां और कुछ विशेष दान भी किए जाते हैं। सो दान आप करें, अन्न का दान करें, गुड़ का दान करें, तिल का दान करें। दोस्तों आप जरूर इस 10 जून को पड़ने वाली बड़ी अमावस्या के दिन आप ये उपाय जरूर करें। तो दोस्तों जाते थे वीडियो को लाइक जरूर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करिए। जय सूर्यदेव, जय सूर्यदेव।